चैप्टर 10 मेंस्ट्रुएशन एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 11 दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. फर्स्ट ऑफ ऑल एक फिगर गिवन दिया हमें एल शेप्ड. फाइंड द एरिया ऑफ दिस फिगर. फर्स्ट ऑफ ऑल इस फिगर को हम लोग स्प्लिट करेंगे. लिखा मैं यहां 2, यहां 10, ये दिया 12, 8, 2 और 10. सिंपल सा लॉजिक है. देखो, चाहूं तो मैं इसको यूं कट करूं चाहे यूं कट करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता. मान लिया मैंने इसको यहां से स्प्लिट कर दिया, तो ये पार्ट कितना था बेटा अपने पास 2, तो नो डाउट ये पार्ट भी कितना हो जाएगा 2. ये अपर पार्ट 2 है तो ये डॉटेड पार्ट भी 2. सेंटीमीटर का पार्ट है चाहे मीटर का हो कोई फर्क नहीं पड़ता. फर्स्ट फिगर एंड सेकंड पार्ट यानी ए पार्ट एंड बी पार्ट. एरिया ऑफ पार्ट ए. पार्ट ए रेक्टेंगल बन चुका है यानी एल इंटू बी होगा. लेंथ बनी इसकी 10. देखो 2 इधर निकल चुका है, इट मींस यहां से 2 लेस होते ही 10 ही बचेगा अपने पास. ठीक है ना, तो 10 इंटू 2, 10 मल्टीप्लाई बाय 2, 10 टू जा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. और सेकंड एरिया ऑफ पार्ट बी, वो भी एक रेक्टेंगल था हमारे पास, एल इंटू बी, दिस इज 10 इंटू 2 सेम एज. तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ फिगर दोनों को ऐड कर देते हैं, 20 प्लस 20 इट गिव्स 40 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओवरऑल मिला हमारे पास 40 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर है, सिंपल सा पार्ट था. चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो आप लोग, जब क्वेश्चन मिले डू योरसेल्फ का आपको हेल्प मिल जाएगी. ठीक है, हाँ देखो मैंने इसको स्प्लिट ऐसे किया था, आप चाहो तो स्प्लिट यहां से भी कर सकते थे. अगर आप इसको यहां स्प्लिट नहीं करके आप यहां स्प्लिट करते, इट मीन्स ये 2 का पार्ट हो जाता, यहां से 2 हट जाता ये. ठीक है, तो ये तो 12 का 12 रहता हमारे पास, यहां हो जाता 10 माइनस 2 इट गिव्स 8. तो 8 टू जा 16 और ये 12 टू जा 24 और 16 मिलके भी आपका 40 ही बनता. तो कैसे भी स्प्लिट करो कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, बट आंसर दोनों के सेम आएंगे. आप किसी भी मेथड से स्प्लिट करोगे आंसर हमेशा आपका ओवरऑल फाइनल आंसर सेम आएगा. ठीक है, नेक्स्ट फिगर दे रखा है कुछ क्रॉस शेप्ड. दिस टाइप का कोई फिगर है, 7 7 7 7 7 7 7 यानी ईच साइड 7 सेंटीमीटर. देखो ये लो 1 2 3 और यहां से ये 4 पार्ट मैंने स्प्लिट कर दिया यहां से आपके लिए इसके. तो ये भी 7 का हो जाएगा, ये भी 7, ये भी 7 और ये भी 7. एंड ओवरऑल सारे के सारे शेप्स ए बी सी डी एंड फाइनल ई सारे के सारे कैसे बन गए, स्क्वायर शेप्ड है ना. तो लिखा हमने एरिया ऑफ ऑल पार्ट्स इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर. अब मैंने 5 क्यों लिखा बेटा, क्योंकि देखो सारे के सारे पार्ट 7 सेंटीमीटर की साइड के ही है, तो सबका एरिया इक्वल निकलेगा. तो क्यों बार बार अलग अलग निकालू मैं, सबका एक साथ कर दिया मैंने. तो यहाँ देखो 5 का 5 और यहाँ 7 का स्क्वायर होगा क्योंकि साइड की लेंथ 7 है,
तो 7 7 जा 49 और ये बन गया 9 5 जा 45, 245 सेंटीमीटर स्क्वायर, सिंपलेस्ट बन गया। हाँ, अगर किसी के दिमाग में आ रोगे सर हम इसको ऐसे भी तो कर सकते थे कि मैं इसको यूं ज्वाइन कर देता स्ट्रेट, यहाँ स्प्लिटिंग करता ही नहीं, तो ये देखो 7 7 और 7 7 3 जा 21, तो 21 इंटू 7 हो जाता है एक पार्ट मेरे पास, फिर 7 और 7 के दो पार्ट हो जाते ऐसे, तो 7 इंटू 7 7 इंटू 7 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, इसको मल्टीप्लाई किया 7 1 जा 7 7 2 जा 14, सबको अगर आपस में ओवरऑल ऐड करते तो भी 245 ही बनता। तो स्प्लिटिंग कैसे भी करो, जैसा हमें इजी लग सकता है उस तरीके से हम उसको सॉर्ट आउट कर देते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। हाँ, कुछ एक स्टूडेंट्स हो सकते हैं कि इसको थोड़ा सा दिमाग से वॉश आउट हो गया होगा, क्योंकि ब्रेक काफी लंबा हो गया आपके लिए ना, दिवाली ब्रेक, कुछ की जो सफाई करने में निकल गया होगा, दिमाग की सफाई हो गई होगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट, टी शेप्ड। देखो स्प्लिट करना बहुत आसान है इसको, तो शायद दिख गया होगा, देखो यहां से डॉटेड कर देते हैं स्टेट, तो ए पार्ट एंड दिस इज बी पार्ट, ठीक है, फर्स्ट दिया इसने, देखो यहां 1 लिखा है, यहां इसने लिखा है 5, 1 1, यहां लिखा है इसने 2 2 4 और ये 4, तो सिंपल सी बात है, देखो जब 1 यहां है तो ये पार्ट भी 1 ही होगा, ये देखो 2 और 1 3 और 2 5, यानी ये लेंथ 5 हो गई, तो पार्ट ए किसके इक्वल हुआ कि 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 बन जा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर पार्ट बी 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 बन जा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओवरऑल ऐड करेंगे तो एरिया ऑफ फिगर 5 प्लस 4 इट गिव्स 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई थिंक यहां तक के पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 10.3 जो थी वो कंप्लीट होती है। इस रेक्टेंगुलर शेप्ड में एक स्क्वायर बनाया है रेड कलर का, देखो मैंने, ठीक है, इस रेड कलर के पार्ट को हम पूरा एक वन पार्ट मानेंगे, अगर पार्ट हाफ से लेस देन होगा तो उसको इग्नोर करेंगे, हाफ पार्ट होगा तो उसको हाफ काउंट करेंगे, हाफ से मोर देन हुआ तो उसको वन पार्ट काउंट करेंगे, ठीक है। चलो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट फिगर की बात करते हैं, तो फर्स्ट 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यानी फिगर ए जो है इसमें ओवरऑल हमारे पास 9 पॉइंट्स है, यानी 9 स्क्वायर शेप्ड के पार्ट्स है, है ना, इट मींस इसका एरिया क्या कहलाएगा कि एरिया ऑफ फिगर 1, तो देयर आर 9 स्क्वायर्स इन अ फिगर, सो एरिया इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय 1, 9 1 जा 9, तो फर्स्ट का आंसर मिलेगा हमें 9 1 जा 9 यूनिट स्क्वायर, एरिया निकालना तो पीछे लगाएंगे हम लोग यूनिट स्क्वायर। सेकंड में देखो 1 2 3 4 एंड 5, 5 into 1 5 1 जा 5, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थर्ड की बात देखें, थर्ड में देखो 1 पार्ट पूरा है, सेकंड पार्ट भी पूरा है ना, जहां मैंने राइट के साइन लगा रखे हैं आपके लिए, बट इसके साथ साथ देखो एक चीज और, जहां मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूं, अब देखो ये दिस पार्ट 2 3 एंड ये 4, ये 4 पार्ट क्या है मेरे, हाफ है, तो 2 फुल 4 हाफ, 4 हाफ का मतलब किसके इक्वल होता है बेटा, 2 के इक्वल होता है, तो 2 प्लस 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 4, तो फर्स्ट का आंसर क्या लिखा हमने 9 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 9, ठीक है, उसके बाद
सेकेंड का आंसर क्या दिखा हमें कि 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। इस थर्ड का आंसर क्या दिखा हमें कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय हाफ लिखना बेटा, 1 अपॉन 2, ये सब मिलेंगे। तो देखो 2 1 2 और 4 × 1/2 होता है 2, 2 और 2 हो गया आपके ओवरऑल 4, ठीक है। सेम एज नेक्स्ट में तो सीधे सीधे काउंट हो रहे हैं हमारे पास, देखो ओवरऑल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट, इसमें मिले 8 पार्ट, तो 8 × 1 = 8, ठीक है। नेक्स्ट में देखो 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 10 × 1 = 10। एफ पार्ट में 1 और ये 1, ये 2 पार्ट तो दिखे मुझे फुल पार्ट्स, ठीक है। फिर 1 2 3 and 4, सेम एज 2 × 1 + 4 × 1/2 = 4, यानी एफ का आंसर भी 4 ही आएगा हमारे पास, ठीक है। जी में चलें, देखो जी में 1 2 3 and 4, ये 4 पार्ट्स तो मिले हमें फुल पार्ट्स। उसके बाद देखो ये 2 पार्ट्स जो है बाकी रिमेनिंग वाले, इसमें देखो 1 2 और ये 3 और ये 4, ये 4 पार्ट्स वो थे जो हाफ थे, तो 4 तो कंप्लीट और 4 हाफ, इट मींस मिलके बन गया आपके लिए कितने बनेंगे, ये देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2, सब मिलके बनते हैं 4 और 2 = 6। आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट वाले जो सिंपल सा देखो 4 1 2 3 4 5, 5 हो गया, 5 × 1 = 5। उसका नेक्स्ट आई नंबर भी सिंपल सा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 × 9, ठीक है। जे में देखो ट्राइंगल्स बने हुए हैं, ट्राइंगल्स में 1 2 तो कंप्लीट है, 1 2 3 4 हाफ है, तो हाफ 4 का मतलब 2 और 2 = 4, यानी जे का आंसर भी 4 ही आएगा। मूव करते हैं पॉइंट के की तरफ, फिगर जो के बना हुआ है, के फिगर क्या बता रहा है, देखो के में 1 2 and 3 और ये 4, ये 4 पार्ट्स तो कंप्लीट पार्ट है, तो 4 × 1, 4 × 1 = 4, और ये देखो ये 1 पार्ट और ये 2 पार्ट, ये 2 पार्ट ऐसे हैं जो आपके पास हाफ पार्ट है, वो दोनों कैसे पार्ट है आपके पास में हाफ पार्ट है, हाफ का मतलब हाफ इंटू 2 यानी 1 हो गया, तो 4 और 1 आपके पास ओवरऑल मिलके क्या बनेगा, 5 बनेंगे, ओवरऑल मिलके क्या बनेंगे, 5 बनेंगे, ठीक है। तो देखो के तक तो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब देखते हैं अपने आई, के बाद एल एम और एन, यहां सोचने वाली बात है, देखो यहां हमें आधा पार्ट भी दिखेगा, मोर देन हाफ भी दिखेगा, है ना। देखते हैं पहले क्या क्या होता है, आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने पास, पहले तो मैं फुल पार्ट्स को टिक कर रहा हूं इसमें, ठीक है। दिस और दिस, ये 2 पार्ट फुल पार्ट है मेरे पास, ठीक है, यानी फुल स्क्वायर्स कितने हुए अपने पास, 2, तो यहां साइड में लिख देते हैं एक बार के लिए,
कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, उसके बाद चले फिर हाफ पार्ट्स की तरफ चले। हाफ है क्या, कहीं देखते हैं पहले। देखो ये हाफ से ज्यादा आ रहा है, देखो हाफ होता तो यूं होता, देखो ये हाफ से ज्यादा गया 1, ये भी हाफ से ज्यादा 1, 2, 3, ये हाफ से कम, इसको काउंट करना नहीं है, 4, 5, 6, 7 और ये 8, यानी 8 पार्ट ऐसे हैं हमारे पास जो कि हाफ से बड़े हैं। सही है क्या? दोबारा काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, 7 और ये 8, 8 पार्ट ऐसे हैं जो हाफ से क्या है, मोर देन है। हाफ से क्या है, वो लोग मोर देन है। मोर देन का मतलब काउंट कर दें इसमें, मोर देन को तो 1 ही काउंट करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो पहले आया था 2, अब आया प्लस में 8 इज इक्वल्स टू बन गया आपके लिए 10। यानी ओवरऑल इस फिगर का आंसर बना हमारे पास 10। अब कहीं बुक्स में जहां हमने 8 मल्टीप्लाई बाय 1 किया है वहां फिगर्स को हाफ से छोटा भी दिखा रहा है कहीं जगह। अब जैसे मेरे पास कंप्यूटर स्क्रीन पे जो दिख रहा है मेरे को, उसके अकॉर्डिंग मैं इसको पूरा 8 काउंट करूंगा। कहीं बुक्स में ये जो कर्व जो बन रहे हैं साइड के, इसके जहां हमने मोर देन हाफ काउंट किया है, वो कर्व जो है वो 6 टाइम ऐसे हैं जो मोर देन हाफ जा रहे हैं। तो दोनों ही आंसर सही है। इस बुक के फिगर के अकॉर्डिंग देखा जाए, मेरे सामने जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ओवरऑल 8 पार्ट ऐसे दिख रहे हैं जो मोर देन हाफ है। ठीक है, बट किसी किसी बुक में ये 6 पार्ट्स भी हो सकते हैं, तो उसको 6 मल्टीप्लाई बाय 1 भी कर सकते हो आप। देखो लास्ट एम पार्ट देखते हैं, इस एम पार्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं, और देखो अब काउंट करते हैं इसमें। पहले तो फुल पार्ट काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 फुल पार्ट है हमारे पास, है ना। तो यहां लिख देंगे बाद में 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 6। अब कलर चेंज करके इसको हम लोग हाफ पार्ट को काउंट करते हैं कि मोर देन हाफ कितने आ रहे हैं इसके अंदर हमारे पास में। ठीक है, मोर देन हाफ में चलते हैं, तो आता देखो 1, कलर सेम आ गया इसका, तो वन टू ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 और ये आपका 8। ये जो येलो कलर से किया मैंने वो हो गया आपके पूरे 8 पार्ट्स। ठीक है, 8 पार्ट्स हो गए आपके मोर देन हाफ, और 6 पार्ट हो गए आपके 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 6। उसके बाद नेक्स्ट चला मेरे पास 8 पार्ट, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 8। ओवरऑल 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 14। तो इसका आंसर मिला हमें 14 स्क्वायर यूनिट। जो रेड कलर के पार्ट है वो है हमारे फुल पार्ट्स, जो येलो कलर के पार्ट्स है वो है हमारे मोर देन हाफ पार्ट्स। ठीक है, चलो देखो वापस नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट वाले में काउंटिंग करें वापस, पहले फुल पार्ट्स को काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, 9 पार्ट्स फुल पार्ट्स है हमारे पास, ठीक है। अब मोर देन हाफ देखें, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, ये 9 वो पार्ट है जो मोर देन हाफ है, क्लियर है। तो इसको लिखेंगे क्या हम लोग, अब इसके लिए हम लिखेंगे 9 × 1 = 9 एंड नेक्स्ट भी वही होगा सेम एज 9 × 1 = 9 ओवरऑल 9 + 9 = 18 स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो आई थिंक ये 10.2 भी सबके समझ में आ गई होगी। हाँ, इसको भी आपको पीडीएफ की फॉर्मेट में मिल जाएगा। इसी के साथ अपना ये चैप्टर नंबर 10 जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है।